आज हमारा टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन। अब जैसा कि हमें पता है हमारी सेल के अंदर जो हमारा न्यूक्लियस होता है इसके अंदर हमारा क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए। इस डीएनए की कॉपी बनाई जाती है यानी कि एग्जैक्ट डीएनए बनाया जाता है फॉर सेल डिवीजन, क्योंकि इसी डीएनए की कॉपी बनने के बाद, एग्जैक्ट कॉपी बनने के पास बाद हमारे पास क्या होता है कि सेल डिवाइड होती है और जो डीएनए है वो टू डॉटर सेल्स में एग्जैक्ट कॉपी चली जाती है, यानी कि सारी इन्फॉर्मेशन जो एक इस डीएनए सेगमेंट में थी वो किसके पास चली गई, टू डॉटर सेल्स के पास। और ये कब होता है, ये होता है सेल डिवीजन के एस फेज में, जिसे हम बोलते हैं सिंथेटिक फेज। इसी में क्या होती है हमारी डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस। और डीएनए रेप्लिकेशन कैसा है हमारा, सेमी डिसकॉन्टिन्यूअस इन नेचर। अभी हम डीएनए रेप्लिकेशन करेंगे जब आपको समझ आ जाएगा कि सेमी डिसकॉन्टिन्यूअस हमने इसको क्यों बोला है। जैसे कि आपको पता है हमारा डीएनए क्या है, एक हेलिकल स्ट्रक्चर है, हेलिकल स्ट्रक्चर है, इस तरीके से ये टू हेलिक्स आपस में जुड़े होते हैं। तो डीएनए जो रेप्लिकेशन है वो स्टार्ट होती है हमारी ओआरआई रीजन से, ओआरआई जिसको बोलते हैं हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जो हमारा यूकैरियोटिक सेल का डीएनए होता है उसके पास मल्टीपल ओआरआई होते हैं, मल्टीपल ओआरआई साइट्स होती हैं, ओके। तो यानी कि मल्टीपल ओआरआई साइट्स होती है हमारी यूकैरियोटिक डीएनए के पास। एंड जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है इसके डीएनए के पास ओनली वन ओआरआई होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहां से स्टार्ट होता है। रेप्लिकेशन हमेशा होता है, एक मेन पॉइंट याद रखने का, कि नया स्ट्रैंड जो हमारा डीएनए का रेप्लिकेशन के बाद बनेगा वो ऑलवेज कहां से बनेगा, ऑलवेज प्रोसीड फ्रॉम 5' टू 3'। इस तरीके से जो हमारा डीएनए है ये होता है एक एंड इसका 5', एंड इसका जो दूसरा एंड है वो हमारा होता है 3'। इसी तरीके से एक इसके अपोजिट वाला स्ट्रैंड होता है इधर 3' एंड 5', अपोजिट डायरेक्शन में ये होते हैं, ठीक है। सपोज अगर हम इस डीएनए हेलिक्स को ओपन कर लें इस तरीके से, एक हेलिक्स हमारा ये ओपन हो गया, एक हेलिक्स ये ओपन हो गया, तो अगर एक हेलिक्स होगा 5' टू 3' डायरेक्शन में तो दूसरा होगा हमारा 3' टू 5' डायरेक्शन में, ओके। तो हम बात करने वाले हैं डीएनए रेप्लिकेशन की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन के एंजाइम्स की, एंजाइम्स फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। सो एंजाइम्स, सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे हेलिकेज की। सबसे पहले क्या होता है हमारा जो ये हेलिकेज एंजाइम है, जो हमारा डीएनए किससे जुड़ा हुआ है, ये हमारे जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये किससे जुड़े हुए हैं, हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड से। इस तरीके से आपस में ये टू स्ट्रैंड्स जुड़े हैं हमारे किससे, हाइड्रोजन बॉन्ड से। इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करता है कौन, हमारा हेलिकेज एंजाइम, ओके। तो इसका क्या काम है, ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करके क्या बना देता है, इस तरीके से ये हमारे डीएनए हेलिक्स को ओपन कर देता है, ठीक है। इस तरीके से जो हमारा डीएनए हेलिक्स है ये ओपन हो जाता है हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स तोड़ने के बाद। अभी ये इतने हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटे हैं हेलिकेज की मदद से, इतने हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटे हैं, और जो ये हमारा इधर से ओपन हुआ है वाई शेप्ड, इसको बोलते हैं हम रेप्लिकेशन फॉर्क, रेप्लिकेशन फॉर्क। कैसी शेप है इसकी, वाई शेप्ड। सेकेंड एंजाइम हमारा क्या आता है, हेलिकेज ने तोड़ दिया हाइड्रोजन बॉन्ड और जो हमारा डीएनए डबल स्ट्रैंड था इसको सेपरेट कर दिया। सेकेंड एंजाइम है हमारा, ये तो हो गया हमारा हेलिकेज फर्स्ट एंजाइम। सेकेंड है हमारा एसएसबीपी, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या कर रहा है, ये हमारे यहां इस ओपन फॉर्क के कॉर्नर्स पे इस तरह से बाइंड हो जाता है एसएसबीपी। इसका काम क्या है, ये दोबारा से जो हमारा फॉर्क ओपन हो चुका है उसको प्रिवेंट करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने से, ठीक है। इसका फुल नेम क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ओपन फॉर्क पे बाइंड होके क्या करेगा, दोबारा से हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाने देगा, यानी कि ये डीएनए फिर से अपना बाइंड स्ट्रक्चर ना बना ले, उसको प्रिवेंट करेगा। थर्ड हमारा एंजाइम है टोपो आइसोमेरेज। टोपो आइसोमेरेज का काम क्या है, अगर हमने ये हमारा जो डीएनए स्ट्रैंड था वो हेलिकल स्ट्रक्चर थी इस तरह से, बहुत ही टाइटली बाउंड स्ट्रक्चर, तो अगर हम इसको यहां से ओपन करते हैं तो पीछे वाला जो हिस्सा है वो और क्या करेगा, उसमें और टेंशन आ जाएगी, स्ट्रेन्स आ जाएंगे। मतलब कि जब हम रस्सी को एक साइड से ओपन करते हैं तो पीछे क्या होता है, वो और उलझती जाती है। तो इस तरह से इस टेंशन को रिलीव करने का काम कौन करता है, टोपो आइसोमेरेज। तो इसका काम क्या है, रिमूव सुपर कॉइलिंग और रिलीव टेंशन इन द डीएनए स्ट्रैंड, ठीक है। ये काम है हमारा टोपो आइसोमेरेज का। तो ये पीछे हमारा बाइंड होता है टोपो आइसोमेरेज, क्या करता है, ये डीएनए के स्ट्रैंड की टेंशन को रिलीव करता है। ये फोर्थ हमारा नेक्स्ट एंजाइम है प्राइमेज। प्राइमेज क्या करता है, जो हमारा एक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो हमारे डीएनए के सीक्वेंस बनाएगा,
उसके लिए बनाता है प्राइमर। प्राइमर होते हैं हमारे कुछ आरएनए के सीक्वेंस। या प्राइमेज क्या बनाता है हमारा? प्राइमर। प्राइमर क्या है? हमारे कुछ आरएनए के सीक्वेंस, अबाउट 10 to 20 सीक्वेंस ये ऐड करता है। किस साइड? हमारा जो डीएनए बनेगा नया वो कहाँ बनेगा? 5 to 3 prime डायरेक्शन। तो हमारा ये जो प्राइमर है ये भी ऐड कहाँ होगा? 5 to 3 डायरेक्शन। सपोज ऊपर वाले डीएनए के अकॉर्डिंग ये हमारा 5 prime है और ये 3 है, ये 3, ये 5। तो जो हमारा प्राइमर बनेगा वो हमारा इधर 5 to 3 है, तो इसके अपोजिट यहाँ से बनेगा 5 to 3। तो यहाँ प्राइमर हमारा ऐड हो जाएगा 5 to 3 डायरेक्शन में। एंड इसी तरीके से जो हमारा प्राइमर बनेगा नीचे वाले स्ट्रैंड पर वो कहाँ बनेगा? 5 to 3 इस डायरेक्शन में। फिफ्थ एंजाइम है हमारा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज मतलब ये डीएनए पे ही डिपेंड है। जो हमारा स्टैंडर्ड डीएनए का है, जो हमारा स्ट्रैंड है वो डीएनए का है। इस तरह से जो ओपन है इसी पे डिपेंड होगी ये डीएनए के नए सीक्वेंस ऐड करेगा इसके कॉम्प्लीमेंट्री। ओके, तो हमारा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? ऐड न्यूक्लियोटाइड इन 5 to 3 डायरेक्शन। तरीके से जो हमारा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है यहाँ बैठ जाएगा और इस डीएनए के यहाँ बैठ जाएगा। और इस तरीके से क्या करेगा? इनके कॉम्प्लीमेंट्री अगर यहाँ पे ए है तो यहाँ टी ऐड करेगा, अगर यहाँ जी है तो सी ऐड कर देगा, अगर यहाँ सी है तो यहाँ अपना जी ऐड कर देगा। इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा। अब इसने इतने न्यूक्लियोटाइड ऐड कर दिए और इधर हमारे इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड ऐड कर दिए। अब न्यूक्लियोटाइड ऐड करने के बाद अब जो हमारा हेलिकेज है जिसने हमारे ये बॉन्ड्स तोड़े थे वो क्या करेगा? हेलिकेज अब इतने आगे वाले बॉन्ड तोड़ देगा, इतने फोर्क को ओपन कर देगा। यहाँ का रेप्लिकेशन इतने का डन हो चुका है, रेप्लिकेशन डन। अब नेक्स्ट ये वाले बॉन्ड्स तोड़ेगा तो क्या होगा? जो हमारा डीएनए है वो इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब इतना तो हमारा ये डन हो चुका है, अब ये नेक्स्ट हमारा ओपन हो गया हेलिकेज, यानी कि इतना हमारा जो सीक्वेंस था डीएनए का ये डन हो चुका है। रेप्लिकेशन अब इसने ये ओपन कर दिया आगे का, ठीक है, यहाँ ओपन कर दिया। तो अब क्या होगा? ये हमारा था 5 prime to 3 prime एंड हमारा लोअर स्टैंड है 3 prime to 5 prime। इधर हमारा ये प्राइमर ऐड था इस तरीके से और यहाँ पे हमारा 5 prime to 3 prime इस तरीके से। एंड हमारे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस यहाँ ऐड हो गए और यहाँ इस डायरेक्शन में ऐड हुए थे। अब क्या होगा? जो हमारा स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड यानी कि जो मेन स्ट्रैंड डीएनए का है उसके अकॉर्डिंगली दोबारा से प्राइमर को आना पड़ेगा ऊपर वाली जगह पे। क्यों आना पड़ेगा? क्योंकि इस डायरेक्शन में तो डीएनए ओपन ही नहीं हुआ है, इस डायरेक्शन में ओपन हुआ है, तो इस डायरेक्शन में प्राइमर के पीछे से तो न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं किए जा सकते, ठीक है ना। तो ये क्या होगा? यहाँ पे अगेन प्राइमर जोड़ा जाएगा इस स्ट्रैंड के, ऊपर वाले स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि 5 prime to 3 prime इस स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर जोड़ा जाएगा और प्राइम आरएनए पॉलीमरेज को हमारे यहाँ आके बैठना पड़ेगा फिर से और फिर वो इस डायरेक्शन में क्या करेगा? न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा। एंड जो नीचे वाला स्ट्रैंड है इसमें प्राइमर की जरूरत ही नहीं है अगेन, क्योंकि जो यहाँ पर हमारा डीएनए पॉलीमरेज बैठा था उसने यहाँ तक सिंथेसिस कर दी थी डीएनए की, ऐसे ही वो आगे कंटिन्यूअसली करता जाएगा जब तक स्ट्रैंड कंप्लीट नहीं हो जाता। एंड ऊपर वाला अगर और नेक्स्ट स्ट्रैंड खोला जाएगा यहाँ तक डीएनए का तो इसको फिर से आके प्राइमर इस डायरेक्शन में बनाना पड़ेगा 5 to 3 prime और उसके बाद ही पॉलीमरेज आके इधर डीएनए सीक्वेंस ऐड करेगा। तो इस तरीके से एक स्ट्रैंड हमारा होता है कॉन्टिन्यूअस, यानी कि जो हमारा नीचे वाला स्ट्रैंड है वो कैसे सिंथेसिस हो रहा है? कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड, और इसको हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। एंड जो हमारा अपर स्ट्रैंड है ये नया स्ट्रैंड कैसे सिंथेसिस हो रहा है? डिसकॉन्टिन्यूअसली, तो इसको बोलते हैं हम डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड। और हमारा लैगिंग स्ट्रैंड, और जो इस तरह से पैचेस बन जाते हैं ये 1, 2, 3 इनको बोलते हैं हम फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं हमारे, इनको बोलते हैं हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। और हमने स्टार्टिंग में देखा था कि डीएनए रेप्लिकेशन को क्या बोला जा रहा है? सेमी डिसकॉन्टिन्यूअस इन नेचर, यानी कि आधा तो ये कॉन्टिन्यूअसली बनता है और आधा डिसकॉन्टिन्यूअसली बनता है। इसीलिए इस टाइप की रेप्लिकेशन को कि हमारा एक स्ट्रैंड बन रहा है बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस और एक डिसकॉन्टिन्यूअस, इसी को क्या बोलते हैं? सेमी डिसकॉन्टिन्यूअस इन नेचर। डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी डिसकॉन्टिन्यूअस इन नेचर। अब जो हमारा एक लास्ट एंजाइम बचता है उसका नाम है हमारा लाइगेज। लाइगेज क्या करता है? जॉइनिंग द डीएनए फ्रेगमेंट्स या फिर ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स।
तो जो हमारे ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट बने हमारे लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर, इसको क्या करता है, यहाँ से प्राइमर रिमूव करने के बाद यहाँ से जोड़ देता है, कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड बना देता है। ये काम होता है हमारे डीएनए लाइगेज का। सो दिस इज ऑल अबाउट डीएनए रेप्लिकेशन। इसी तरह से क्या हो जाता है, डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी बन जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन, की डीएनए अपने अपनी रेप्लिकेशन कर ली, रेप्लिका कॉपी बना ली। अब इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।